नफरत की हवा जो बह रही है उसको कैसे रोकेंगे? ये सब प्रजातंत्र है, सब लोग जानते हैं जी, नफरत है ही नहीं, पहले हम इंसान हैं, इंसान के बाद कोई धर्म है? अगर धर्म पहले आया हो तो हम भी धर्म को मान लेंगे। नेशनल हाईवे के ऊपर कितनी गौशालाएं ओपन खुली हुई हैं, मतलब गौशाला मतलब क्या, गायें बैठी हैं, कोई संभालने वाला नहीं है, कहाँ गोरक्षक है? देखो जी, 2024 में आने वाली आज बिल्कुल मोदी सरकार विफल हो चुकी है, हर मुद्दे पर विफल हो चुकी है, और आने वाला समय अब कांग्रेस का है, राहुल गांधी जी का है, और हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सरकार बना रहे हैं 2024 में। नफरत की हवा जो बह रही है उसको कैसे रोकेंगे? ये सब प्रजातंत्र है, सब लोग जानते हैं जी, नफरत है ही नहीं, अब नफरत नहीं है। जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले थे, वो सब भारत जुड़ा है, नफरत और भी आगे राहुल गांधी जी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो पूरी होगी 24 के चुनाव तक, पूरी बहुमत से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी बचा हुआ काम जो तीसरे कार्यकाल में पूरा होगा वो तो देखो जी, आज हमारा देश आजादी से पहले भी हर वर्ग के लोग इस देश में रहते थे, और हमने अंग्रेजों से भी आज़ादी मिली अंग्रेजों से आज़ादी, जब भी सारे भाई थे, जब भी डर नहीं था किसी को, आज़ाद कराने में भी सब हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई थे। आज हम 14 के बाद आज हमने देश में डर लगने लग गया, ये सब लगे मेवात को आरोप लग रहा है कि ये छोटा पाकिस्तान हो गया है, प्रशासन जाने से वहाँ पर डरता है, ऐसे आरोप लगते हैं। आप वही रहते हैं, प्यार प्रेम से रहते हैं, कोई डरने लगता, इतने प्यार प्रेम जो वहाँ पर है मेवात के अंदर, आप खुद मेरे साथ चल के देख सकते हैं किसी भी टाइम। तो ये भय का माहौल कैसे उत्पन्न हो रहा है फिर, ये भय का माहौल कैसे उत्पन्न हो रहा है? ये भय का माहौल सिर्फ मोदी सरकार के लोगों को मिला, अच्छा, और बाकी जो आम जनता है, जो इस देश की जनता है, वो बैके माहौल में नहीं है। आज वो समझ चुकी है 2024 का चुनाव कांग्रेस आ रही है, मोदी जा रहा है। लेकिन बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि मैं बाल बाल बच के आ गया, मुसलमानों ने मारने की प्लानिंग कर ली थी। वो सब एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा भाई साहब, ये राजनीति है, आप समझो, पूरी मीडिया ने भी पता है, आज मीडिया भी खुल के दिखा रही है कि ये सब राजनीतिक है। बजरंग दल वाले कह रहे हैं कि हम धर्म की रक्षा करने निकले हैं, आप लोग हमारे साथ आइए। आज देखो भाई साहब, मैं एक राजनीति से परे हट के बात करूंगा, जो एक अलग बात है बिल्कुल। परमात्मा ने हमको जो उतारा था ना, वो इंसान बना के उतारा था, ना कि जाति धर्म में बांट के उतारा था। तो इसलिए मैं अपने मीडिया के भाइयों के माध्यम से आज एक ही बात कहता हूँ, अगर हमारी बात इस पूरे देश में कहीं भी जाती है ना, पहले हम इंसान हैं, इंसान के बाद कोई धर्म है? अगर धर्म पे ले आया हो तो हम भी धर्म को मान लेंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का स्टेटमेंट आता है कि अधिकतर लोग गोरक्षक बने वो घूम रहे हैं जो खुद गाय नहीं पालते हैं, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखो जी, आप हमारे सोनीपत में आओ, मेरी खुद एक विधानसभा पड़ती है राई, कभी भी आओ, आज मेरा नंबर लेना आप और वहाँ आओ, आप मैं आपको हर रोड पे जो आज गायों की रक्षा की बात करती है भाजपा सरकार, हम आपको ये दिखाएंगे रोड पर, नेशनल हाईवे के ऊपर कितनी गौशालाएं ओपन खुली हुई हैं, मतलब गौशाला मतलब क्या, गायें बैठी हैं, कोई संभालने वाला नहीं है, कहाँ गोरक्षक है? ये सिर्फ एक गो रक्षक नहीं है, गो तस्कर है, असल गोरक्षक मोनू मानेसर को बताया जा रहा है, ये सब तस्कर है भाई साहब, मतलब मोनू मानेसर तस्कर है, ये गोरक्षक के प्रशासन के लोग तक सेल्फी खिंचवाते हैं उसके साथ। प्रशासन के लोग कोई सेल्फी ले हमें नहीं पता, पहले आप जो सड़कों पे गायें बैठी है, पहले उन गांवों को गायों की सुरक्षा करें, बाद में बताएं कि हम गोरक्षक, इससे पहले कोई नहीं मानता। आज अगर बात करें नेशनल हाईवे के ऊपर, आप भी जाते होंगे, मैं कोशिश करूंगा अपने मीडिया के भाइयों से, आप भी जाकर एक बार है ना तस्वीर दिखाएं कितने एक्सीडेंट होते हैं। आज अगर हरियाणा की बात करें, कम से कम 30-35% जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो गाय से हो रहे हैं, तो कहाँ गोरक्षक? मान लेंगे गोरक्षक, हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। राहुल गांधी कल संसद में पहुंचे, भाजपा के लोग कह रहे हैं उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नौटंकी करते हैं सब। ऐसा जी, आज देखो इतने डरे हुए हैं मोदी जी, राहुल गांधी जी की जब यात्रा चली ना, उसके बाद आज दिखाई दे रहा है इनको, इनका छोड़ा लेकर उठाने का चलने का टाइम आ चुका है। एक बात बताइए, खट्टर सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? वो सब राजनीति का भाई साहब, वो राजनीति है, वो आप मीडिया वालों को भी पता है और आम जनता को भी पता है। चलिए आखिरी सवाल, 2024 में क्या होने वाला है? 2024 में पूर्ण बहुमत से
कांग्रेस सरकार बना रही है और हरियाणा के अंदर पूरे बहुमत से कम 70-80 सीटों से ज्योति भूपिंदर सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बना रहे हैं। लोकसभा में पीएम कौन बन रहा है? पीएम जो भी हाईकमान का जो फैसला होगा हम तो चाहते हैं भी राहुल गांधी जी पीएम बने 24 में। राहुल गांधी जी को पीएम बिल्कुल।